बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अगल बगल जो दो मुख्यमंत्री रहते हैं वही असली रावण है। रावण नयन के दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथ से तीर धनुष गिर गया था। नीतीश कुमार ने तीर धनुष छोड़ दिया था क्योंकि नीतीश कुमार अच्छे से जानते थे कि इस नकली रावण का दहन करके कुछ नहीं होगा, अगर दहन करना है तो मेरे अगल बगल जो दो रावण है उनका दहन करना होगा। ये विवादित बयान राजद की सांसद सुधाकर सिंह का है। सुधाकर सिंह ने मीडिया कर्मी से बातचीत करने के दौरान कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अच्छे से जानते थे कि रावण दहन के दिन इस नकली रावण को मारकर कुछ नहीं होगा, अगर रावण को मारना है तो मेरे अगल बगल जो दो रावण है उन्हें मारना होगा, उनका दहन करना होगा। दरअसल सुधाकर सिंह रामगढ़ के उपचुनाव को लेकर एक मीडिया कर्मी से बातचीत कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अच्छे से जानते थे कि इस नकली रावण को मारकर कुछ नहीं होगा, मेरे अगल बगल जो दो रावण हैं इन्हें हटाना है, इन्हें मारना होगा। सुधाकर सिंह ने कहा कि रामगढ़ में एक बार फिर से राजद के कैंडिडेट की ही जीत होगी क्योंकि इस बार के उपचुनाव में हमने जो अच्छे से तैयारी की है उसका फल भी हमें मिलेगा। खासकर अगर रामगढ़ की बात करें तो रामगढ़ समाजवादियों का गढ़ है, किसानों का गढ़ है, ये बात सुधाकर सिंह कहते नजर आए और उन्होंने कहा कि अगर कोई यहाँ पर दावा कर रहा है तो उसका दावा फेल ही होने वाला है, वो नहीं जीतेंगे क्योंकि ये किसानों की धरती है और मैं हमेशा किसान भाइयों के साथ रहता हूँ, किसान भाइयों की बात करता हूँ और यहाँ पर राजद की ही जीत होगी। बताते चले हम आपको कि दरअसल रामगढ़ के विधायक सुधाकर सिंह हुआ करते थे लेकिन इस बार के लोकसभा चुनाव में सुधाकर सिंह बक्सर से लोकसभा चुनाव लड़े और उसके बाद उन्हें जीत भी हासिल हुई, जीतकर संसद पहुंचे और अब रामगढ़ विधानसभा सीट खाली हो गया जहां पर उपचुनाव हो रहा है। आरजेडी ने अपना कैंडिडेट उतारा है तो दूसरी तरफ बीजेपी के कैंडिडेट हैं। अभी भी सुधाकर सिंह रामगढ़ को अपना गढ़ ही माने बैठे हैं और अब कह रहे हैं कि बीजेपी यहाँ पर जीत हासिल नहीं कर सकती, बीजेपी कितना भी जद्दोजहद कर ले क्योंकि ये समाजवादियों की धरती है, ये धरती किसानों की धरती है, किसानों का गढ़ है यहाँ और मुझे अच्छे से पता है कि बीजेपी को ये लोग हटा देंगे यहाँ से, भगा देंगे यहाँ से और यहाँ पर एक बार फिर से राजद की ही जीत होगी। दरअसल बिहार में 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है जिसमें रामगढ़, इमामगंज, तरारी और बेलागंज, जहाँ पर एक सीट पर यानी कि बेलागंज पर जेडीयू के कैंडिडेट हैं, तरारी विधानसभा सीट और रामगढ़ विधानसभा सीट पर बीजेपी के कैंडिडेट हैं और बाकी बचा एक सीट यानी कि इमामगंज। इमामगंज से हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी, इन चारों कैंडिडेट को जिताने के लिए बीजेपी जद्दोजहद कर रही है, एनडीए पूरी कोशिश कर रही है लेकिन दूसरी तरफ महागठबंधन के सांसद सुधाकर सिंह ने साफ तौर पर कहा कि इन्हें जीत हासिल नहीं होगी, अगर वहाँ पर किसी की जीत होगी तो हमारी जीत होगी, हमने बहुत प्रयास किया है, हमने बहुत मेहनत किया है, इन चारों विधानसभा सीट पर हमारी ही जीत होनी है। हालांकि दोनों तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सीएम आवास पर एक हाई लेवल मीटिंग का आयोजन किए हैं जहाँ पर एनडीए के तमाम घटक दल के सभी नेता मौजूद रहेंगे, ये सुनिश्चित की जाएगी कि कैसे हम विधानसभा के उपचुनाव में जीत हासिल कर सके। अभी जो 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है ये 2025 के विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है और अगर इन 4 विधानसभा सीटों पर बीजेपी, यूं कहें कि एनडीए जीत हासिल कर लेती है तो 2025 का विधानसभा चुनाव बहुत मुश्किल नहीं रहने वाला है, वहां भी अच्छा प्रदर्शन करेंगी एनडीए अगर एनडीए की जीत होती है तो, क्योंकि मनोबल मजबूत होगा और कार्यकर्ताओं के बीच काफ़ी जोश होगा, मेहनत करेंगे और यही इसके पीछे का वजह है कि आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बैठक का आयोजन किया है जहां पर सभी नेता को ये बताया जाएगा कि उपचुनाव में तो हमें जीत हासिल करनी ही करनी है लेकिन 2025 के विधानसभा चुनाव भी बेहद अहम है और वहां जीत हासिल करने के लिए तैयारी अभी से करनी होगी। इस 4 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में पहले जीतना है, बड़ा मैसेज देना है और हमारे सामने जो प्रतिद्वंदी है उसे कमजोर करना है और उसके बाद आगे बढ़ना है। इन सब को लेकर आज सुधाकर सिंह ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला
बीजेपी के दोनों उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी को रावण का दर्जा दिया, कहा कि ये दोनों रावण हैं और मुख्यमंत्री अच्छे से जानते हैं कि मेरे दोनों अगल बगल रावण ही खड़े हैं। ये विवादित बयान सुधाकर सिंह देते हैं और उसके बाद अब पूरे राजनीतिक गलियारे में हलचल तेज हो जाती है। रामगढ़ से बीजेपी के कैंडिडेट अशोक सिंह है और कुछ दिन पहले बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल रामगढ़ गए हुए थे अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए, अपने कैंडिडेट के लिए वोट मांगने के लिए, और उसके बाद वहां उन्होंने बीजेपी के सदस्यता अभियान के अंतर्गत कई सारे लोगों को पार्टी में शामिल भी करवाया। और उसके बाद अब सुधाकर सिंह ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। और भी कोई राजनीतिक गलियारे से खबर आती है तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे, आप देखते रहिएगा फर्स्ट बिहार झारखंड। नमस्कार, मैं रवि नारायण सिंह आरपीआईए प्रदेश अध्यक्ष आप सभी को धनतेरस, दीपावली, छठ महापर्व, भाई दूज एवं चित्रगुप्त पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। आपका भाई, आपका बेटा रवि नारायण सिंह सदैव आपके साथ है और इस महापर्वों के महीने को भगवान आपके लिए बहुत ही आनंदमय बनाए, यही मंगल कामना करता हूँ। प्रणाम। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक, भारतीय जनता पार्टी, बिहार।